पार्ट थ्री चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग शुरू के पार्ट में पढ़ चुके हैं, वो बेसिक बातें ये थी। ये चैप्टर का नाम है क्लास 8 चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पार्ट वन में हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के क्या होते हैं। हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पार्ट सेकेंड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी कि नॉन मेटल्स, अगर मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जबकि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते, जबकि मेटल्स सोनरस होते थे, रिंगिंग साउंड। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली थी। अभी थर्ड पार्ट हम लोग का आ गया, इसमें हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये कोई मेटल है, ये मेटल है, मेटल में कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोई भी मेटल। जब वो किसी बेस से रिएक्शन करेगा, बेस क्या होता है, जिसमें ओ एच लगा हो, जैसे एन ए ओ एच, सी ए ओ एच, तो बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये हाइड्रोजन गैस इस तरह सिंबल है, और एरो का साइन अपसाइड है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कि ये गैस है। तो ये गैस है। देन सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेटल्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल। अब इसमें जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम मेटल है, इधर कैल्शियम मेटल है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मीन्स होता है उसको अपनी जगह से हटा देना, तो वहाँ से हटा देगा, तो यहाँ CSO4 है, तो यहाँ सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, ये एरो का साइन होगा, यहाँ भी एरो का साइन होगा, तो सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम यहाँ अलग है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करना। नाउ अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज़ क्या है? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज़ हैं। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स। अब जितने भी मशीन है, वो मोटरसाइकिल में हो, किसी भी मशीन फैक्ट्री में हो, कहीं भी कोई मशीनरी ऑटोमोबाइल्स है, वो सारा जो है मेटल्स का ही बना होगा। एरोप्लेन मेटल्स का बना है, ट्रेन मेटल्स का बना है, सैटेलाइट्स मेटल का बना है, इंडस्ट्रियल गैजेट्स का मतलब बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, वो सारे मेटल्स के बने हैं। कुकिंग मटेरियल, कुकिंग यूटेंसिल्स, किचन में जितने भी कुकिंग के बर्तन है, दे आर मेड ऑफ मेटल्स। वाटर बॉयलर्स, फैक्ट्रीज में पानी को गर्म करने के लिए बड़े बड़े वाटर बॉयलर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मीन्स बिजली के जो भी उपकरण हैं, सामान है, वो सारे मेटल्स के बने हैं। अगर अलग अलग हमें देखना हो तो हम अलग अलग भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन का यूज़ क्या है, आयरन एक मेटल है, उसका सिंबल होता है Fe। आयरन का यूज़ क्या है, मशीन बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, बिल्डिंग जब बनती है तो आयरन के रॉड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, कार, मोटरसाइकिल, शिप्स, ब्रिज, ये सारी चीज़ें बनाने में मेटल का यूज किया जाता है। कौन सा मेटल, आयरन, आयरन का यूज किया जाता है ये सारी चीज़ें बनाने में। नेक्स्ट क्या है कि कॉपर,
कॉपर सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में, जो बिजली के तार हम लोग यूज करते हैं उनमें कॉपर का यूज होता है। फिर स्टैचू जो मूर्तियाँ बनती हैं वो भी कॉपर के बनते हैं, कॉपर के बर्तन भी बनते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का यूज़ भी इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है बिजली के तार बनाने में। किचन यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का बनाने में। देन नेक्स्ट वन इज़ गोल्ड, गोल्ड से ऑर्नामेंट बनते हैं। ऑर्नामेंट मीन्स गहने, मालूम है सबको, ऑर्नामेंट बनते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सिल्वर, सिल्वर इज़ आल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट। सिल्वर जो बर्फी होती है मिठाइयों पर भी सिल्वर की एक जो है पन्नी जैसी लगाई जाती है, वहाँ भी यूज किया जाता है। तो सिल्वर का भी काफ़ी यूज है, यानी सिल्वर और गोल्ड ये दोनों जो हैं गहने बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इतना इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आता है नॉन मेटल का यूज़। नॉन मेटल का यूज़ में हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रीदिंग में हम यूज करते हैं, सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं ब्रीदिंग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका फर्टिलाइजर में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट को दिए जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं सॉयल के थ्रू, रूस के थ्रू ले लेते हैं, इससे उनका जो प्रोडक्शन है, प्लांट का प्रोडक्शन है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने में। ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है क्लोरीन, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन होता है, तो वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन डालने से वाटर के अंदर जो जम्स हैं वो सारे मर जाते हैं। तो जब जम्स हैं तो पानी प्योर हो गया, आप पी सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर स्पेसिफिक देखना चाहे नॉन मेटल का यूज़, तो एक एक का देख सकते हैं, जैसा हमने मेटल्स में देखा था। सल्फर है, सबसे पहले सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल सॉल्ट बनाने में यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है जो केमिकल्स के रूप में यूज किया जाता है, और सल्फर का यूज हम लोग जो है जो बारूद होता है, जो फायरवर्क्स हम यूज करते हैं, पटाखे, उसमें जो बारूद होता है वो भी जो है उसमें भी सल्फर मिला रहता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो हमें मालूम है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में यूज किया जाता है। फिर बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन हमने अभी पढ़ा कि अमोनिया वगैरह के साथ ये जो है फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का भी काफ़ी यूज है, ये भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन गैस का यूज फर्टिलाइजर में, फ्यूल रॉकेट, रॉकेट का जो फ्यूल होता है रॉकेट, उसमें फिर वेल्डिंग करने में आयरन को वेल्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस का यूज हमने देख लिया था, किल द जम्स इन वाटर, वाटर के प्योरीफाई करने में, तो वाटर के जम्स को मार देता है। आयोडीन का यूज होता है आयोडीन टिंचर बनाने में, जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है। तो ये हमारे जो है नॉन मेटल्स के यूज है। अब एक बार हम लोग अगर इन तीनों टॉपिक को देख ले, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो मेटल हमको मालूम है क्या होता है। द मटेरियल विच आर जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस मीन्स चमक होता है, मेलिएबल मीन्स उसको पीटो तो चपटा हो जाएगा, डक्टाइल मीन्स तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, सोनरस मीन्स जिसमें घंटी जैसी आवाज़, रिंगिंग साउंड आती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी होगी वो मेटल्स होगा। नॉन मेटल वो होगा जिसमें मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी मेटल हार्ड होगा तो ये सॉफ्ट होगा, मेटल जो है लस्ट्रस होगा तो ये डल होगा, धुंधला सा होगा, मेटल मेलिएबल होगा, चपटा हो जाएगा लेकिन इसको पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मेटल सोनरस होता है लेकिन ये नॉट सोनरस होता है, नॉन सोनरस होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। तो ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है। अब मेटलाइट क्या है, मेटलाइट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट्स विच
पजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलाइट्स, यानी जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उन्हें मेटलाइट बोलते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके नोट्स जो है यहाँ से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जगह जगह नॉन मेटल का यूज देख सकते हो, देन मेटल का यूज देख सकते हो, इस तरह नोट्स बना लो।